नमस्कार, धर्म में आपका स्वागत है। मैं हूं शिप्रा शुक्ला। आस्था का अनोखा चढ़ावा, यूं तो आमतौर पर हम किसी भी देवी देवता के मंदिर में फल फूल और प्रसाद में लड्डू मोदक मिठाई आदि ही चढ़ाते ही हैं, लेकिन आज धर्म दर्शन आस्था के कुछ ऐसे धाम के जहां इन सबसे अलग कुछ अनोखा चढ़ावा चढ़ाकर भक्त मांगते हैं मुराद। तो चलिए सबसे पहले आपको ले चलते हैं मध्य प्रदेश के मंदसौर, जहां पर सालों पुराने एक वट वृक्ष पर घड़ी चढ़ाकर भक्त समय के देवता से मांगते हैं सुखद समय की मुराद। पेड़ पौधों और वृक्षों को हमारी संस्कृति में सनातन काल से पूजा जाता रहा है। कई वृक्षों में तो साक्षात देवताओं के वास की मान्यता परंपरागत रूप से प्रबल रही है। ऐसे ही मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के चिरमोलिया गांव में है एक अनोखा वृक्ष, जिसे घड़ियों वाला पेड़ कहा जाता है, और इस पेड़ में रचते बसते हैं समय के देवता। सालों पुराने इस वट वृक्ष को घड़ियों वाले पेड़ के नाम से पुकारा जाता है। यहाँ के लोगों की माने तो इस वृक्ष पर समय देवता का वास है, और यदि कोई भक्त सच्ची श्रद्धा और आस्था के साथ एक घड़ी चढ़ावे के रूप में इस पेड़ पर चढ़ाए तो उसका बुरे से बुरा समय भी टल जाता है और खुशियाँ दिल खोल कर करने लगती हैं उसका स्वागत। समय देवता कहते हैं, यहाँ पे घड़ी चढ़ी जाती है, मतलब जिस तरह आदमी का जब समय खराब हो जाता है तो समय यानी घड़ी, घड़ी देहाती भाषा में घड़ी बोलते हैं कि घड़ी खराब आएगी, उस स्थिति में यहाँ पे घड़ी चढ़ाते उसका समय सही हो जाता है। भक्तों के घड़ी चढ़ाने की मान्यता के चलते इस पूरे वट वृक्ष पर आपको अलग अलग जगह पर तरह तरह की घड़ियां देखने को मिलेंगी, जो भक्तों ने अपनी मनोकामना के अनुसार से यहां चढ़ाई हैं, और इसी मान्यता के चलते इसे घड़ियों वाला पेड़ कहा जाता है। लोग किसी व्यापार धंधे में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो, उस प्रकार के उसके समस्या हल हो जाए, ऐसी मन्नत है। इसके अलावा बच्चों के पढ़ाई में कोई दिक्कत होती तो बच्चे यहाँ पे घड़ी चढ़ा के जो मन्नतें मांगते हैं तो उनके पढ़ाई में भी अच्छी प्रोग्रेस आती है। किसी की नौकरी वगैरह में समस्या आती तो वो भी अगर यहाँ से श्रद्धा रख के काम करता उसका भी कार्य पूर्ण हुआ है। समय देवता के इस पेड़ की एक खासियत और भी है, वो ये कि इस वट वृक्ष पर सैकड़ों की संख्या में घड़ियां हैं, लेकिन कभी भी न तो कोई घड़ी चोरी हुई है और न ही उन्हें कोई नुकसान पहुंचा है। अगर कभी किसी ने इन घड़ियों को हानि पहुंचाने की कोशिश की तो उस व्यक्ति को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। इसके साथ ही समय के देवता के इस पवित्र स्थान की एक विशेष बात और भी है, वो ये कि यहाँ पूजा पाठ की आम रस्में नहीं निभाई जाती, और न ही पूजा के लिए या घड़ी चढ़ाने के लिए कोई खास वक्त होता है। भक्त किसी भी समय अपनी मनोकामना की गठरी लिए यहाँ आकर घड़ी चढ़ाते हैं और हो जाते हैं समस्त चिंताओं से मुक्त। एक वटवृक्ष का बड़ा सा पेड़ है जिसे माना जाता है कि यहाँ पे घड़ी चढ़ाने से भक्त ठीक होता है, और मुझे बहुत सुन के ताजुब हुआ कि ना तो यहाँ पे कोई पूजा होती है ना कोई पुजारी होता है, लेकिन फिर भी लोगों का मानना है कि लोग यहाँ पर आकर मन्नत करते हैं तो उनकी पूरी होती है। समय का चक्र है ही ऐसा बलवान, ये जिसकी दिशा में घूम जाए उसकी दशा बदल जाती है, और जिसके विरुद्ध चल पड़े उसकी गति बिगड़ते भी देर नहीं लगती। ना उसके जीवन में कोई सुख ठहरता है, ना ही परिवार में शांति रहती है। ऐसे में समय देवता के इस अनोखे पेड़ पर एक घड़ी भेंट करके समय का मारा व्यक्ति इस बात से आश्वस्त हो जाता है कि जल्द ही उसे जीवन के तमाम कष्टों से छुटकारा मिल जाएगा। बात चाहे अच्छी फसल की हो, शादी, संतान, कारोबार या पढ़ाई की, मान्यता के अनुसार एक दीवार घड़ी चढ़ाने भर से समय जातक के पक्ष में हो जाता है। आकाश चौहान, चिरमोलिया गांव, मंदसौर, आज तक। मंदसौर में ही बना है एक ऐसा मंदिर जहां भक्त पॉपकॉर्न चढ़ाकर मांगते हैं अच्छी सेहत का वरदान। इस मंदिर में मौजूद मूर्ति को भक्त ओखा बाबजी के नाम से पूछते हैं, और मान्यता है कि यहाँ टाइफॉइड की बीमारी से छुटकारा मिलता है। आस्था का अजब चढ़ावा। पॉपकॉर्न से होते हैं बाबा प्रसन्न। करते हैं टाइफॉइड का इलाज।
देते हैं रोग मुक्त होने का वरदान। वैसे तो भगवान के कई नाम और कई रूप हैं, लेकिन मंदसौर के इस मंदिर की महिमा कुछ ऐसी है जिसे सुनकर आपको पहली बार शायद ही यकीन हो। लेकिन आस्था और मान्यता के इस संसार में भक्तों के कई ऐसे यकीन हैं जो सुनने में अजीब जरूर लगते हैं, लेकिन उन पर विश्वास करने के लिए आप मजबूर हो जाएंगे। अगर किसी को टाइफाइड हो जाए तो डॉक्टर के पास जाते हैं लोग, लेकिन मंदसौर में टाइफाइड की चपेट में आए लोग सीधे इस मंदिर में आते हैं। इस मंदिर में विराजते हैं एक ऐसे बाबा जिन्हें भक्त टाइफाइड का स्पेशलिस्ट मानते हैं और अपनी तकलीफ के लिए बाबा के चरणों में झुका देते हैं सिर। इन बाबा का नाम है ओखा बाबजी, जिन्हें पूजा के बाद फीस के रूप में चढ़ाया जाता है पॉपकॉर्न, मीठा भजिया और कपड़े का घोड़ा। जी का जो मंदिर है, यहाँ पर टाइफाइड वगैरह कई प्रकार की बीमारियाँ यहाँ के पानी से ठीक हो जाती है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि यहाँ पर प्रसाद में पॉपकॉर्न चढ़ता है। ये अपने आप में सबसे अनोखी और अजीब बात भी कह सकते हैं। और यहाँ पर जो भी लोगों की मन्नतें पूरी होती है वे यहाँ पर प्रसाद के रूप में पॉपकॉर्न चढ़ाते हैं। ओखा बाबजी का यह मंदिर मंदसौर के चंदपुरा में स्थित है। ओखा बाबजी को बाबा बटुक भैरव का ही एक रूप माना जाता है। कहते हैं यहाँ के पवित्र कुंड में स्नान कर अगर बाबा की भभूत लगा ली जाए तो टाइफाइड से बीमार व्यक्ति बहुत जल्द ही ठीक हो जाता है। यहाँ की खासियत ये है कि टाइफाइड निकलने के पर लोग यहाँ पर आते हैं, जल ले जाते हैं, भभूति ले जाते हैं, उसके बाद उसको 100% उसको यहाँ पर फर्क पड़ता है। यहाँ की मान्यता है, यहाँ आते हैं, जल ले जाते हैं, अगर वो तबीयत खराब होती है तो उसके बाद ये यहाँ मन्नत लेते हैं कि अगर हम ठीक हो जाएंगे तो अपन इंग्लिश में उसको पापवन बोलते हैं और शुद्ध मालवी भाषा में उसको फुल्ली बोलते हैं। जो फुल्ली चढ़ाते हैं, फुल्ली चढ़ाने के बाद इसी मन्नत लेते हैं, मोतीचूर के लड्डू की मन्नत लेते हैं। ये मंदिर सैकड़ों वर्ष पुराना है। इस मंदिर की सबसे बड़ी खासियत है कि मन्नत पूरी होने पर भक्त यहाँ आकर श्रद्धा की चादर चढ़ाते हैं, जैसे किसी दरगाह में चादर चढ़ाई जाती है। इसके अलावा यहाँ पर उन महिलाओं की भारी भीड़ उमड़ती है जिनकी गोद किसी वजह से सूनी है या जिनके घर से बच्चों की किलकारियाँ रूठी हुई है। डॉक्टरों के चक्कर काट कर थक चुके लोग यहाँ इस यकीन के साथ आते हैं कि ओखा बाबजी के दर्शन मात्र से मिल जाएगा रोगों से छुटकारा। बटुक भैरव के इस मंदिर में सभी धर्मों के लोग आते हैं और बाबा से खुशियों का वरदान लेकर जाते हैं। मंदसौर से आकाश चौहान के साथ आज तक ब्यूरो। वाराणसी की मां बंदी देवी कहते हैं कि बंदी देवी के दरबार में मांगी गई हर मनोकामना 41 दिन के अंदर पूरी हो जाती है। बदले में भक्त मां को चढ़ाते हैं ताले का प्रसाद। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि जैसे ही भक्तों की मुराद पूरी होती है मां के दरबार में चढ़ाया गया बंद ताला खुद ब खुद खुल जाता है। ताले का प्रसाद जाग उठेगा सोया भाग्य। फांसी का फंदा मिल जाएगा कारागार से छुटकारा। 41 दिन की पूजा खोल देंगी माँ अपना खजाना। तालों से प्रसन्न होती है माँ, ये बात सुनने में थोड़ी अजीब जरूर लगती है लेकिन है पूरी तरह से सच। ये माँ बंदी देवी का मंदिर है और यहाँ माँ की आराधना ताले से की जाती है।
इस बात की गवाही दे रहे हैं ये ताले जो भक्तों ने यहाँ चढ़ाए हुए हैं। बोलो जय जय बंदी माँ, बोलो जय जय बंदी माँ। वाराणसी के दशाश्वमेध घाट पर बना हुआ है मां बंदी देवी का मंदिर। मां को कारागार की देवी भी कहा जाता है, क्योंकि चाहे जैसी भी सजा हो या फिर हो कोई भी बंधन, यहां आकर मां की पूजा करने से मिल जाती है भक्तों को राहत। ताले को बंधन से जोड़कर देखा जाता है और मां के दरबार में ताला चढ़ाने से मां इस बंधन को अपने हाथों से खोल देती है। मान्यता तो ये भी है कि जिन्हें फांसी की सजा मिली होती है वो या उनके परिजन अगर यहाँ आकर फांसी के फंदे को कुछ इस तरह गले में डाल लें तो उनकी सजा भी माँ खत्म करवा देती है। माँ के इस चमत्कार में भक्तों का किस कदर यकीन है, इसे यहाँ आने वाले भक्त की श्रद्धा को देखकर आसानी से समझा जाता है। माँ को पाताल की देवी कहा जाता है। कहते हैं यहाँ माँ भगवान विष्णु की आज्ञा से बसी थी। गंगा घाट पर मंदिर बना हुआ है जिसकी कंदरा में विराजती हैं माँ। कहते हैं अगर 41 दिन तक लगातार माँ की पूजा की जाए तो माँ समस्त इच्छाओं को पूरा कर देती हैं, उनकी झोली खुशियों से भर देती हैं। दोष हो, पाप हो, रोग हो, उसकी गलती हो ना हो, कुछ लोग अनायास ही फंस जाते हैं, तो यहाँ मन्नत मांगने से चाहे जितने अगर जिस प्रकार से कि मौत के समय राष्ट्रपति ही उन्हें छुट्टी दे सकता है, तो अंतिम समय में भी यदि जिस व्यक्ति की बेल नहीं हो रही हो, जो व्यक्ति निजात नहीं पा रहा हो, जो व्यक्ति जेल से छूट नहीं पा रहा हो, इस दरबार में मन्नत मांग के तो देखिए महाराज किस्मत के ताले क्या जीवन से उसको भवबाधा से मुक्त कर देती है हमारी बंदी माता। कहते हैं माँ भक्तों को सजा से राहत ही नहीं दिलाती बल्कि सोया भाग्य भी जगा देती है। माँ के आशीर्वाद से बिगड़े काम भी बन जाते हैं और सफलता के रास्ते की बाधाएं दूर हो जाती हैं। माँ के चमत्कारों की कहानी लंबी है और महिमा अनंत। बस इतना समझ लीजिए, माँ बंदी के द्वार पर एक बार जो भी आया वो फिर कहीं और नहीं जाता। आज तक ब्यूरो। अगर आप कौड़ियों को बेकाम बेदाम मानते हैं तो ऐसा मानना बंद कर दीजिए, क्योंकि कौड़ी में छिपी है करोड़पति बनाने की शक्ति। जी हाँ, लिए चलते हैं आपको वाराणसी के एक ऐसे मंदिर में जहाँ कौड़ियों से की जाती है माँ की पूजा। कहते हैं इन कौड़ियों को जिसने भी अपनी तिजोरी में रख लिया उसे मालामाल बनते देर नहीं लगती। कौड़ी बनाती है धनवान, तिजोरी में रखने से हो जाते हैं मालामाल। 5 कौड़ियाँ चढ़ाइए कौड़िया देवी को, आज पूरी हो जाएगी हर मुराद। मामूली समझे जाने वाली इन कौड़ियों में छिपा है समृद्धि का राज। ये कौड़ियाँ धन की कर सकती हैं बरसात। हर एक कौड़ी के अर्पण के साथ बढ़ता जाता है धन और मिलती है माँ की अपार कृपा। कौड़ी के प्रसाद की बात आपको हैरान कर रही होगी, लेकिन ये तस्वीरें इस बात की पुष्टि करती हैं कि इस अनोखे चढ़ावे में भक्तों की कितनी अटूट आस्था है। ये मंदिर माँ कौड़िया देवी का है, जिन्हें लक्ष्मी का दूसरा रूप माना जाता है। काशी में माँ का नाम जितना अनोखा है उतना ही अनोखा है उनकी पूजा का विधि विधान। जैसा नाम वैसा ही प्रसाद। काशी में कौड़िया मंदिर में जो भी भक्त आते हैं वो अपने साथ फल मिठाई की जगह लाते हैं कौड़ियाँ। कहते हैं कौड़ियाँ माँ को बेहद प्रिय हैं और जो भक्त कौड़ियों से करता है माँ की आराधना, माँ बना देती हैं उसे धनवान। ये कौड़ी माता एक लक्ष्मी की ही रूप है, इसलिए कौड़ी इनको लक्ष्मी माना गया। किसी आदि जमाने में कौड़िया ही सब कुछ चलता था। आज है कि पैसा है कौड़ी, आज कौड़ी एक पहले कहीं भी कौड़ी ने जानता है, कौड़ी न कौड़ी कौड़ी माता को जानता है। लेकिन यहाँ ऐसा है कि इनको कौड़िये लोग खोजते हैं चढ़ाने के लिए दक्षिण भारत से आके। फूल नहीं मांगते, माला नहीं मांगते, कपूर नहीं मांगते, चुनरी नहीं मांगते, इनको सब कुछ कौड़ी मांगते हैं।
वैसे तो कितनी भी कौड़ियाँ चढ़ाई जा सकती हैं, लेकिन 5 कौड़ियाँ चढ़ाने भर से देवी का आशीर्वाद पाया जा सकता है। इन कौड़ियों में से 1 कौड़ी पूजा के बाद घर ले जाकर तिजोरी में रख देते हैं। कहते हैं ऐसा करने से हर प्रकार की गरीबी का नाश हो जाता है। कौड़ी माँ को दर्शन करके कौड़ी समर्पित करके कौड़ी माँ यात्रा सफल होता है। कौड़ी घर में रखने से लक्ष्मी धन धान मिलता है, अच्छा होता है, माँ के आशीर्वाद मिलता है, काशी यात्रा सफल होता है। काशी के इस चमत्कारी मंदिर की महिमा दूर दूर तक फैली हुई है। आर्थिक परेशानियों से जूझ रहे भक्त यहाँ खाली हाथ आते हैं और झोली भर कर ले जाते हैं। माँ के मंदिर में सुबह से भक्तों का तांता लगा रहता है और शाम होते होते कौड़ियों से भर जाता है कौड़िया देवी का दरबार। कहावतों और कहानियों में कौड़ियाँ कंगाली का प्रतीक मानी जाती है, लेकिन काशी के कौड़िया मंदिर में ये कहावत बेमायने हो जाती है, क्योंकि यहाँ कौड़ियाँ बनाती हैं भक्तों को दौलतमंद। यही वजह है कि काशी के सैकड़ों मंदिरों में इस मंदिर की महत्ता कुछ अलग ही है। गरुण मिश्रा, वाराणसी, आज तक।